श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम समझने वाले हैं वो है डेबिट नोट वाउचर। तो फ्रेंड्स, डेबिट नोट वाउचर जो होता है उसका यूज कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड आज हम यही समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कंपनी से कोई माल खरीदते हैं और उसमें से कोई माल कुछ माल खराब निकल जाता है और वो जब हम जिससे हमने खरीदा है उस सप्लायर को वापस करने के लिए कहते हैं, तो वो सप्लायर जो कहता है कि वो माल को वापस ना करके हमारी कंपनी को डिस्काउंट दे देता है, तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होती है। फ्रेंड, इससे पहले हमने डेबिट नोट की एंट्री करी थी, उसमें क्या होता है, उसमें माल वापस हो जाता है। तो जब हमारी इन्वेंट्री वापस होती है, माल वापस होता है, तो उस केस में डेबिट नोट में एंट्री होती है। बट अगर माल वापस ना होके हमें डिस्काउंट मिलता है पैसों का, तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में होती है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है हमारे पास। कंपनी ने 10 अक्टूबर यानी हमारी कंपनी ने 10 अक्टूबर 2021 को नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 100 VGA केबल 50 रुपए पर नोट के हिसाब से उधार खरीदी और इसमें 4 VGA केबल खराब निकल गई। तो हमने वो केबल वापस करने के लिए कहा, तब नील मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने माल वापस ना करके हमारी कंपनी को 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो फ्रेंड्स, इसकी एंट्री जो हमारी होगी वो होगी डेबिट नोट वाउचर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स टैली में। तो हमने कंपनी ओपन कर रखी है और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट तो बाद में मिलेगा, सबसे पहले तो हमें कोई चीज खरीदनी है, यानी हम 10 VGA केबल खरीद लेते हैं और परचेस की एंट्री कर लेते हैं। तो ये कब हुआ है, 10 अक्टूबर 2021 को हुआ है। फ्रेंड्स, हम 10 को ना करके हम 1 को करेंगे, क्योंकि हमारी जो टैली है वो एजुकेशनल वर्जन है, तो इसको हम एजुकेशन वर्जन में क्या होता है, 1 और 2 में ही वर्क होता है, तो हम इसमें करेंगे 1 में काम करेंगे फ्रेंड्स, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर में हम एंट्री करेंगे और चलते हैं टैली में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले परचेज करने के लिए आप जाएंगे वाउचर में और एंटर बटन पुश कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट, तो हमें उधार परचेज करना है, तो उसके लिए आप दबाएंगे F9 की या फिर परचेज पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज आ गया है और जो आपने परचेज किया था उस बिल का जो भी इनवॉइस नंबर होगा, जो क्योंकि जब भी हम कोई चीज माल खरीदते हैं तो उसके साथ सप्लायर अपना एक बिल देता है, तो उसका जो इनवॉइस नंबर होगा तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मान लेते हैं उसका इनवॉइस नंबर 103 है फ्रेंड्स, और उसमें जो डेट होगी वो डाल देंगे जो भी इनवॉइस पे लिखी होगी। अब मान लेते हैं क्योंकि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो हम यहाँ पे 1 अक्टूबर ही डाल देते हैं 1/8। हमने यहाँ पे 1 अक्टूबर डाल दिया, ये तो अगस्त आ गया फ्रेंड, तो 1 हमें करना पड़ेगा 10, तो ये 1 अक्टूबर आ गया है। और फ्रेंड्स, हमें ये डेट भी चेंज करनी है क्योंकि यहाँ 2 सितंबर है, तो ये डेट चेंज करने के लिए आपको डेट पे क्लिक करना है या F2 बटन दबाना है। तो हमने डेट पे क्लिक किया और हमने डाल दिया 1/10। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 1 अक्टूबर आ गया है। फ्रेंड्स, एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे हम खरीद रहे हैं नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, तो बट यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कोई लेजर अभी नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का नहीं है, तो लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट पे। तो सप्लायर कौन है, नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जब यहाँ पे आप हम खुल गए हैं, लेजर में आ गए हैं और यहाँ पे आप डालेंगे नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, जिससे हम माल खरीदते हैं यानी जो हमारे सप्लायर होते हैं उनको डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। तो यहाँ पे हम एस बटन पुश करेंगे तो एस से जितने भी नाम है वो आ जाएंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। अब यहाँ पे आप एंटर कर देंगे या क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन पुश करते हुए आगे आते रहेंगे और लास्ट में हम यस बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप ये इंफॉर्मेशन भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको खाली छोड़ देते हैं। एंटर बटन पुश करते रहेंगे और आप एड्रेस भी भर सकते हैं। अब देखिए हमारा कर्सर आ गया है परचेज लेजर,
अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परचेज, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो परचेज हमने सिलेक्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स क्या खरीद रहे हैं, वीजीए केबल, 100 वीजीए केबल खरीद रहे हैं, जिसका रेट कितना है 50 रुपए, यानी एक केबल का रेट कितना है 50 रुपए, और हम कितनी खरीद रहे हैं 100 वीजीए केबल खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे, अब देखिए वीजीए का स्टॉक आइटम भी नहीं बना हुआ है, तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्रिएट आ रहा है, तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया और ये स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो खुल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वीजीए केबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वीजीए केबल लिख दिया है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर बटन पुश करेंगे, और यहाँ पे यूनिट, यूनिट में हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर में है, और एंटर बटन पुश करते हुए यस बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे 100, क्योंकि हम 100 नोट्स खरीद रहे हैं, उसका रेट टाइप कर देंगे, एक का रेट कितना है 50 रुपए, तो 100 का कितना हो गया 5000 रुपीज। एंटर बटन पुश करते हुए आगे आएंगे, और यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा नरेशन पर कर्सर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग क्रेडिट परचेज। तो फ्रेंड्स हम एंटर बटन पुश करेंगे और यस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी परचेज की एंट्री हो गई है, और अब हम देखना चाहते हैं नील मेटल कंपनी को हमें कितने पैसे देने हैं, तो इसके लिए हम इसके बटन दबा के बाहर आ जाएंगे और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो जीओटी में आने के बाद जाना है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट बुक में, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे लेजर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये है थोड़ा सा ऊपर, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर बटन पुश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हमें 5000 रुपीज देने हैं किसको, नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन था ये, तो अब हमने खरीद तो लिए, मगर दो जो 4 वीजीए केबल हमारी खराब निकल गई हैं, और हमने नील इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से कहा जी ये आपके 4 केबल खराब है, आप इसे वापस कर लो, तो नील मेटल कंपनी ने कहा, नील इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अगर ये केबल खराब निकल गई है तो आप इन्हें वापस मत करो, और ये जो 200 रुपए में हम इनको आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो नील मेटल कंपनी क्या कर रही है, 200 रुपए का हमें डिस्काउंट दे रही है। तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री होगी डेबिट नोट वाउचर में। चलते हैं टैली में, मान लेते हैं सेम डे यानी 1 अक्टूबर को ही जो है हमारी जो है हम वापस ना करके उन्होंने 1 तारीख को हमें 1 अक्टूबर को हमें डिस्काउंट दे दिया, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट नोट वाउचर में। तो डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए जाएंगे वाउचर में और एंटर बटन पुश करेंगे। फ्रेंड्स अब डेबिट नोट कहाँ आता है हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पे जो पेमेंट आ रहा है यहाँ पे एक एरो का निशान है, एरो के निशान पे क्लिक करना है, और आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट नोट आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे या ऑल्ट बटन के साथ F5 बटन दबा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं डेबिट नोट आ गया है, बट फ्रेंड्स ये डेबिट नोट तो आ गया है बट इसे वाउचर फॉर्म में हमें करना है एंट्री को। तो वाउचर फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे जाना है, और वाउचर फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पे चेंज मोड आ रहा है H, यानी कंट्रोल बटन दबा के अगर आप H बटन दबाएंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एज वाउचर। अब एज वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर बटन पुश कर देंगे, अब कुछ इस तरह से हमारी स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा पर्टिकुलर में। तो फ्रेंड्स डेबिट, अब डेबिट में क्या सिलेक्ट करना है, डेबिट में क्योंकि हमें उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसने हमें डिस्काउंट दिया है, नील इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एंटर बटन पुश कर देंगे और करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स एड्रेस लिखना है तो आप टाइप कर सकते हैं, अब उन्होंने कितने का हमें छूट दिया है 200 रुपए का, तो हम यहाँ लिख देंगे 200 रुपए और एंटर बटन पुश करते रहेंगे। देखिए यहाँ पे अपने आप वो बिल नंबर आ गया है और वो एंट्री भी आ गई है, अंगेज सेंस हमने सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंगेज सेंस ही सिलेक्ट करेंगे, इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे वो बिल आ जाएगा जिसके अंगेज आप ये हमें छूट मिल रही है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन पुश करेंगे।
अब क्रेडिट में फ्रेंड्स डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट गिवन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अगर आप लेजर आपने नहीं बनाया हुआ है तो डिस्काउंट गिवन को डालेंगे इन डायरेक्ट इनकम में। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे 200 रुपए अपने आप आ गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे एक नया लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट का, डिस्काउंट ऑन परचेज का बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद डिस्काउंट ऑन परचेज, क्योंकि हमें परचेज पे डिस्काउंट मिला है तो फ्रेंड्स डिस्काउंट को क्योंकि एक तरह से हमारा फायदा है तो इसे डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। तो इनडायरेक्ट इनकम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, एंटर बटन पुश करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया है डिस्काउंट ऑन परचेज और यहाँ पे 200 अपने आप आ गया है। एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग डिस्काउंट ऑन परचेज, फ्रेंड एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे यस बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स अभी हमारी डेबिट नोट वाउचर की एंट्री हो चुकी है और अब हम देखना चाहते हैं कि मील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अब हमें कितना पैसा देना है। तो इसलिए इसके बटन दबा के बाहर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और वो देखने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट बुक में और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लेजर और इसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे हम ये नील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आ गया है, इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले हमने परचेज किया था 5000 रुपए और डिस्काउंट हमें मिला 200 रुपए तो अब हमें कितने पैसे देने हैं नील इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 4800 रुपए। फ्रेंड्स एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हमें पैसों का डिस्काउंट मिला है, हमारा माल कम नहीं हुआ है क्योंकि हमने माल को वापस नहीं किया है, माल हमारा उतना ही है मगर हमें डिस्काउंट मिला है। तो माल भी हम चेक कर लेते हैं, यानी हम डीटेल केवल चेक कर लेते हैं।